हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शालूदा डेली बुक्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं गोल्ड सूप दुबई। हम एंट्री कर रहे हैं गोल्ड सूप में गेट नंबर 3 से। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये है ओल्ड दुबई डेरा में स्थित। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो गोल्ड सूप इज नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे बट पीछे से इतना शोर था कि हमारी वॉइस आ ही नहीं रही थी, तो फिर हमें वॉइस ओवर ऊपर से करना पड़ा। फ्रेंड्स, दुबई के लोगों के लिए सोना ऐसा है जैसे अपने देश में आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदना। सोने की गाड़ियाँ, घड़ियाँ और बड़े बड़ी ज्वेलरी सेट तो आपने पहले सुने ही होंगे। दुबई के से पहनने से लेकर खाने तक में सोने का यूज करते हैं। यहाँ गोल्ड तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। तो ऐसा क्या है जो दुबई में सोना इतना सस्ता है? और तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि दुबई में सोना आ कहाँ से रहा है? ऐसा क्या है दुबई के सराफा बाजार में मुनाफा ही मुनाफा है? दरअसल दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में रो गोल्ड इंपोर्ट करता है और फिर उस कच्चे गोल्ड को एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है। फिर दुबई की स्टैंप लगते ही इस ज्वेलरी का प्राइस दुबई के रेट के बराबर पहुंच जाता है। और यूं ही नहीं फ्रेंड्स, दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतना प्योर और ब्यूटीफुल होती है कि ये ना सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है, जिसमें इंडिया और चीन सबसे आगे हैं। और इस तरह दुबई में हर साल ऑलमोस्ट 1200 टन गोल्ड का व्यापार होता है। और पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा ऑलमोस्ट 29% सिर्फ दुबई का ही होता है। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्पेशल तो है और यहाँ आपको बाहर से ही शॉप में वैरायटी और डिजाइन गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड में भर भर के देखने को मिलेंगे। और इतने डिजाइन है कि आप देखते देखते थक जाओगे बट डिजाइन खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। और इतना घूमने के बाद हमें एक इंडियन शॉप मिली। शॉप का नाम है सोना ज्वेलर्स और जिसमें आप देख रहे होंगे कि इंडियन फ्लैग लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे मंगलसूत्र और इंडियन ज्वेलरी है कि जो इंडिया के लोगों को पसंद आती है। हर तरह की ओम है, ओम में पेंडेंट है, श्री कृष्णा है, मतलब आप देवी देवताओं की पेंडेंट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम देवी देवताओं की गोल्ड की मूर्तियाँ कितनी ज़्यादा सुंदर और आकर्षित लग रही हैं जो गोल्ड की बनी हुई हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 कैरेट, 18 कैरेट, 21 कैरेट, 22 एंड 24 सभी कैरेट में डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। और ये मैंने कैप्चर किए हैं बैंगल्स डिज़ाइन, जो कितने सारे डिज़ाइन हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे डिज़ाइन यहाँ कैप्चर किए हैं अपनी वीडियो में। और मुझे सबसे अच्छा यहाँ पर ये लगा फ्रेंड्स
कि यहाँ पर कोई वीडियो बनाने के लिए मना नहीं करता, ये मैंने शॉप के अंदर जा कर के वीडियो बनाई है। और मुझे किसी ने नहीं टोका कि हाँ कोई बाहर से तो कोई भी नहीं टोकेगा, और अंदर से भी मैंने कुछ शॉप में जाके वीडियो बनाई है और मुझे नहीं मना किया। और ये डिज़ाइन बॉयज़ की चैन के हैं, जो इतने सारे इतनी मोटी मोटी डिज़ाइन है चैन की। और इसके बाद गाइज यहाँ पर सिल्वर, गोल्डन एंड डायमंड तीनों के ही रिंग के एंड चैन के डिज़ाइन थे, और चैन तो इस तरह से लटकी हुई थी, बस पूछो मत ना, आप देख ही सकते हो। और गोल्ड सूक के पीछे वाली गली में हमें मिला एक बेज रेस्टोरेंट जिसका नाम है बंसीवाला। यहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट लिया, और हम काफ़ी देर हो गई थी हमें चलते चलते, तो हमें भूख सी भी लगने लगी थी और लंच का टाइम भी हो चुका था, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट भी ले लें और खा भी लें। और यहाँ पर जब मैं वीडियो बना रही थी तो यहाँ पर एक अंकल मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे, जैसे मेरे को जानते हो, और हमने अपनी वीडियो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना नीट एंड क्लीन है रेस्टोरेंट में, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख करके, और यहाँ का खाना भी अच्छा था गाइस। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्टार्टर में हमने मंगाए पहले गोलगप्पे, और मैं टिमटिम के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, और मैं गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स एंड उनकी फैमिली थी साथ में। और यहाँ पर भैया ने मुझे बोल ही दिया, इतने आप वीडियो बनाते रहोगे इतने सारे गोलगप्पे खत्म ही हो जाएंगे। और गोलगप्पों के बाद हमने मंगाई थाली, जो काफ़ी टेस्टी थी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी कि हम काफ़ी सुंदर आ रहे हैं वीडियो में, इसलिए भाभी ने नज़र उतारी। और फिर उसके बाद हमने जल्दी जल्दी लंच फिनिश किया। लंच फिनिश करने के बाद फिर हम चल दिए अपने मिशन पर। और यहाँ पर आपको गोल्ड के साथ साथ और शॉप भी मिलेंगी, जैसे डेकोरेट आइटम, एंड आप किसी के लिए गिफ्ट ले जाना चाहते हैं तो गिफ्ट आइटम, बुर्ज खलीफा, एंड आप देख सकते हो कितने सारे हैं। और यहाँ पर मैंने बुर्ज खलीफा का प्राइस भी पूछा था, तो जो काफ़ी हाई था, 50 दिरहम बोला था। और उसके बाद फिर से हम निकल गए गोल्ड की वीडियो बनाने के लिए, गोल्ड सूख की। और आप फिर से देख सकते हो, फिर से मैंने बैंगल्स की ही वीडियो कैप्चर की है, क्योंकि इतने सारे बाहर से ही डिज़ाइन लगे हुए थे कि भाई मैं मिस नहीं करना चाहती थी इनको, बैंगल्स के, नेकलेस के। आप देख सकते हैं नेकलेस के भी कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं, और ये नहीं कि हाँ लाइट वेट में भी थे और बहुत ह्यूज भी थे।
और फ्रेंड्स, मैंने शुरू से ही सुना था कि यहाँ बहुत बड़ी रिंग है, बहुत बड़ी रिंग है, बट हमने गेट नंबर 3 से एंट्री की थी तो हमें मिल नहीं रही थी, और ये गेट नंबर 1 पर रखी हुई है जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में है। और ये रिंग इतनी बड़ी है कि ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में तो है, जिसका एक सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका टोटल वजन 24 kg है, और जो इसके अंदर स्टोन लगा हुआ है उसका वजन आई थिंक 5 kg है। तो ये इतनी बड़ी रिंग है कि भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वीडियो बनाते हुए ज्वेलरी को पहनते हुए, तो यहाँ पर मैंने भी ट्राई की। अगर आप किसी शॉप से कुछ खरीदते हैं तो उसके बाद आप उनसे बोलते हैं कि मेरे को ट्राई करनी है, तो वो आपको ट्राई करने देंगे, आपसे आपको मना नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ट्राई की थी ज्वेलरी। और उसके बाद गाइस, हम निकले थे सुबह के 9 बजे और हमें बज गए थे शाम के 7, और फिर भी हमें टाइम लग रहा था कम, कि हमें अभी और टाइम मिलता तो हम और घूम सकते थे। मतलब गोल्ड सुक इतना बड़ा है, छोटा नहीं है। और आते आते हमको गाइस, उस दिन था नेशनल डे यूएई का। फिर उसके बाद हमें आते हुए बहुत सारी शॉप मिली, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट एंड डेट्स, बहुत सारे केसर वगैरह वगैरह की, जो मैंने रास्ते में कैप्चर किए हैं आप देख सकते हो। और ये भी बहुत ही सस्ते मिलते हैं यहाँ पर, नट्स वगैरह। आप यहाँ से दुबई से अपने देश जा रहे हैं, अपनी कंट्री जा रहे हैं, तो आप लेके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ की चॉकलेट फेमस है, जो काफ़ी लो प्राइस में मिल जाती हैं। यहाँ से हमने कुछ चॉकलेट परचेज की थी, तो जो ऑल चॉकलेट प्राइस था यहाँ 20 dirham पर केजी था। आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं, बट यहाँ पर डेट्स एंड नट्स के प्राइस अलग अलग थे, कि वो क्योंकि बहुत सारी वैरायटी थी नट्स में एंड डेट्स में। आप जिस भी जो भी आप वैरायटी लेना चाहते हैं उसके अलग अलग प्राइस थे। और फाइनली अब हम निकल चुके थे घर की, और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या ख़रीदा भाई गोल्ड सुक में आकर के। गोल्ड सुक से तो मैंने ख़रीदा एक पेंडेंट, जो लॉकेट है छोटा सा, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिएगा आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।